अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन शेजवान विथ राइस की रेसिपी। अगर पुलाव या बिरयानी खाकर आप बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही डिलीशियस और यमी रेसिपी है, आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। चिकन शेजवान बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो चिकन और इसके हमने बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं और हमने इसमें बीच में गहरा गहरा कट लगा लिया है। अब इसे मैरिनेट करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम दही, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे। अब इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मैं इसे पहले ऐड करना भूल गई थी। अब चिकन को मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कट्स में भी अच्छी तरह से मसाला लगा लेंगे। चिकन को हमने मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 1 से 2 घंटा मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। राइस बनाने के लिए मैंने लिया है पैन में 3 टेबल स्पून के करीब तेल। तेल के गर्म होने पे मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून जीरा, 4 लौंग, 3 हरी इलायची, 1 चक्रीफूल और 1 दालचीनी का टुकड़ा। साथ ही ऐड कर लेंगे 2 तेज़पत्ता और मसालों को कुछ सेकंड के लिए तेल में फ्राई कर लेंगे। जब मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगे तो इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट डालकर इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अदरक लहसुन के भून जाने पर हम इसमें सभी ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चिकन क्यूब डालेंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। मसाले जब हल्का सा भून जाए तो इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आप चावल के हिसाब से ऐड करें। अब इसे ढककर पानी में अच्छी तरह से उबाल आने तक पकाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं, पानी में तो अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। ये 2 ग्लास चावल है, इसे मैंने 1/2 घंटे पहले अच्छी तरह से वॉश करके इसे भिगो लिया था। अब इसके साथ ही ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें और नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर चावलों का पानी ड्राई होने तक इसे कुक करेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं, चावल का पानी लगभग सूख चुका है और चावल भी 90% तक गल चुके हैं। इसमें जो हल्का सा पानी दिख रहा है तो जब हम इसे दम पे रखेंगे तो वो पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो अब हम आंच को स्लो कर लेंगे और चावल को ढककर धीमी आंच पर
दम आने तक कुक करेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। चावल में बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम बनी है। देखिए चावल भी कितने अच्छे और खिले खिले बने हैं। तो चावल को हम लोग बहुत ही संभाल के हल्के हाथों से एक बार ऊपर नीचे कर लेंगे। राइस तैयार है, अब हम इसे साइड में रख देंगे और चिकन फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई करने के लिए पैन में डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून के करीब तेल और तेल को गर्म कर लेंगे। चूल्हे की आंच को मीडियम टू हाई रखेंगे। तेल के गर्म होने पर मैरिनेट किया गया चिकन ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप चिकन को अवन में भी बना सकते हैं। चिकन को पलटकर हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर ले। चिकन को मैंने हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, तब मैं इसे बाहर निकाल लूंगी और चिकन के बचे हुए पीसेस को भी इसी तरह से फ्राई कर लूंगी। चिकन देखिए कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इसे हमने पलटकर हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई किया है, तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। चिकन में तंदूरी के जैसा टेस्ट लाने के लिए मैं इसे चूल्हे पर ग्रिल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे कोयले से स्मोक भी कर सकते हैं। चूल्हे की आंच को मैं मीडियम टू हाई कर लूँगी और इसे हर तरफ से ग्रिल कर लूँगी। चिकन को हमने अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है, इसी तरह हम सभी पीसेस को ग्रिल कर लेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए कढ़ाई में डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब तेल और तेल को गर्म कर लेंगे। चूल्हे की आंच को मीडियम रखेंगे। तेल गर्म होने पर ऐड करेंगे चॉप किया गया अदरक और लहसुन। ये 12 लहसुन की कलियां हैं और 2 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे हमने चॉप कर लिया है। साथ ही ऐड कर लेंगे 6 से 7 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। मिर्च को हमने बीच से कट कर लिया है, अब इसे तेल में 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन के फ्राई हो जाने पर इसमें ऐड करेंगे 2 छोटी साइज की स्लाइस की गई प्याज। प्याज ऐड करके इसे कुछ देर के लिए भून लेंगे। प्याज के भून जाने पर ऐड करेंगे 2 स्लाइस की गई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालकर आंच को थोड़ा सा स्लो कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून चिली सॉस। दो टेबल स्पून सोया सॉस। दो टेबल स्पून विनेगर। चार टेबल स्पून के करीब टोमेटो केचप ऐड करेंगे। एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 4 से 5 टेबलस्पून के करीब शेजवान सॉस के ऐड करेंगे। रेस्टोरेंट जैसा कलर लाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करेंगे और इसके साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक ऐड करके इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे फ्राई किया गया चिकन। अब चिकन में 1 कप के करीब पानी ऐड कर लेंगे। अगर चिकन में थोड़ी भी कसर हो तो वो कुक हो जाएगा। और चिकन को सॉस में अच्छी तरह से मिला लेंगे। चूल्हे की आंच को मीडियम टू लो कर लेंगे और
और इसे ढक कर 10 मिनट तक कुक करेंगे। इतनी देर में चिकन भी कुक हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। चिकन को कुक होते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं और चिकन का पानी भी लगभग ड्राई हो गया है, तो अब हम इसे और ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। गार्निश के लिए अगर आपके पास हरी प्याज की पत्ती है तो आप उसे इससे गार्निश कर लें। मेरे पास धनिया पत्ता है तो मैं इसे इसी से गार्निश कर रही हूँ। चिकन शेजवान सर्व के लिए तैयार है। अब हम आँच को बंद कर देंगे। आपको हमारी ये यमी और टेस्टी सी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।